हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपीत सौम्या में। आज हम बनाएंगे टेस्टी और महाराष्ट्र के स्पेशल उकड़ीचे मोदक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उकड़ीचे मोदक बनाना। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन में डाला है 2 चम्मच घी और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा उबाल आने देंगे और जैसे ही ये पानी उबलने लगे तब हम इसके अंदर डालेंगे चावल का आटा। ये जो मोदक के लिए आटा होता है ना, ये अलग से आता है, ये आपको रेडीमेड मार्केट में इजीली मिल जाएगा या तो फिर आप इसे घर में भी बना सकते हो। और इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, आप देख रहे हो ना। और अभी जो गैस की फ्लेम है ना, वो हमने स्लो ही रखी है, तो आपको इस तरीके से पानी और आटे को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और जब ये इस तरीके से मिक्स हो जाए तब आपको गैस की फ्लेम ऑफ करनी है और इसे आपको इस तरीके से ढककर रेस्ट करने देना है। अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने एक पैन लिया, पैन में हमने डाला है 2 चम्मच घी और इसमें हमने ऐड किया है फ्रेश कोकोनट। ये जो कोकोनट है ना, इसका जो ऊपर का ब्राउन हिस्सा होता है वो हमने निकाल कर इसे ग्रेट किया है। अब इसे भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए 1 टेबलस्पून इलायची का पाउडर और 1/2 कप हमने यहाँ पे लिया हुआ है गुड़। गुड़ की जो मात्रा है वो आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। अब हमें इस पेस्ट को, ये जो गुड़ है ना, गुड़ पिघलने तक पकाना है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर कुकड नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका जो ये पेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बस गुड़ पिघल जाए ना, बस आपको उतना पकाना है, क्योंकि इसके साथ साथ में हमारा कोकोनट भी पकता जाएगा। अब ये देख रहे हो आप, बिल्कुल इस तरीके से हो जाए तो हमें गैस की फ्लेम ऑफ करनी है। और एक तरफ हमने जो आटा रखा था वो भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। हमें इसका ना अभी इस तरीके से हथेलियों से दबाते हुए हमें इसका एक अच्छा सा डो बनाना है। और ये जो डो है ना, बिल्कुल रोटी की तरह होगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सॉफ्ट सा आपको डो बनाना है। तो इस तरीके से हाथों से दबाते हुए आप इसका एक डो बना लें। अब देख रहे हो अच्छी तरीके से आपको हाथों से मसलते हुए इसका डो बनाना है। और इसका जो रेशियो था हमने आपको बताया, जितना आपका 1 कप अगर चावल है तो पानी भी आप 1 कप ही डालें, तो आपका जो डो है इस तरीके से परफेक्ट बनेगा। अब ये डो रेडी है, अब हम इसका मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक मोल्ड ले लिया है। मोल्ड में पहले हम थोड़ा सा घी ग्रेस कर लेंगे। अभी घी ग्रीस करने के बाद में ये मोल्ड को हम बंद करेंगे और इसमें थोड़ा सा ये आटा लेते हुए हम इसे फिल करेंगे। तो आपको इस तरीके से ना पतला करते हुए इसे आप डालिए और फिर देख रहे हो आप बिल्कुल इस तरीके से, और आपको नीचे की तरफ दबाना है और चारों तरफ से दबाकर इसमें बीच में है ना इस तरीके से आपको एक जगह बनानी है। और फिर ये जो हमने कोकोनट और गुड़ का जो फिलिंग बनाई थी ना वो हमें इसमें डालना है। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा रोल करते हुए डालिए और फिर ऊपर के सिरे को थोड़ा सा आटा लेकर हमें इसका जो सिरा है उसे बंद करना है। तो देख रहे हो बिल्कुल इस तरीके से आपको बंद करना है और फिर अब हम इस मोल्ड को ओपन करेंगे। तो आप देख रहे हो हमारे जो मोदक का शेप है वो बहुत ही अच्छा आया हुआ है। और जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिखता है ना, वो आप हाथों से दबा दीजिए। ये तो ये हमारे मोदक रेडी है। इसी तरीके से हमारे हमने सारे डो का ना मोदक बना लिया है। अब हम इसे पकाएंगे। तो पकाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन नीचे रखा है, उसके अंदर हमने पानी रखा है और इस तरीके से कोई भी एक छन्नी आप रख लो और उसमें हम उसे थोड़ा सा ना घी से ग्रीस करके और ढक के भाप आने तक पकाएंगे। जब ये अच्छे से इसमें से एक भाप आने लगे ना, तब हम इसका ढक्कन हटाकर अब हम जो हमारे मोदक हैं वो इसके अंदर रखेंगे। तो इस तरीके से आप मोदक रखने के बाद में इसे अगेन ढककर हमें 20 से 25 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। अभी जो गैस की फ्लेम है आपको हाई रखनी है, जिससे कि आपका जो भाप है वो ज़्यादा बने और हमारे जो मोदक है वो जल्दी से बन जाए। तो 20 से 25 मिनट्स हो चुके हैं और ये जो हमारे मोदक है वे बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं अंदर और बाहर से, और इसे हम निकाल कर अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टेस्टी और इजी उकड़ीचे मोदक रेडी है।
इस गणपति में इस तरीके के उकड़ीचे मोदक आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी होते हैं और गणपति पापा को भी बहुत ही पसंद आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।